फतेहपुर में खनन माफियाओं का एक और कारनामा सामने आया है, जहां तात्कालीन डीएम कुमार प्रशांत के फर्जी साइन बनाकर खनन का पट्टा हासिल कर लिया गया। खनन माफियाओं के इस बड़े खेल का खुलासा मौजूदा डीएम अंजनेय कुमार ने करके खलबली मचाते हुए दो खनन माफियाओं के खिलाफ सदर कोतवाली में तात्कालीन डीएम कुमार प्रशांत के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर अढ़ावल मोरंग खदान का पट्टा करवाने पर मुकदमा दर्ज करवाया है। बता दें कि तात्कालीन डीएम कुमार प्रशांत के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर मोरंग कारोबारी शेषनाथ पांडे ने अढ़ावल मोरंग घाट के एक भूखंड का पट्टा करवाया था। वहीं फर्जी पट्टा मामले का खुलासा होने पर मोरंग कारोबारी शेषनाथ पांडे निवासी फैजाबाद समेत दो लोगों के खिलाफ सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। इस दौरान मौजूदा डीएम अंजनेय कुमार सिंह के आदेश पर खनन अधिकारी ने मुकदमा दर्ज किया। वहीं एडीएम जेपी गुप्ता को जांच सौंपी गई। दरअसल तात्कालीन डीएम कुमार प्रशांत को एक माह पूर्व अवैध खनन समेत कई गंभीर मामलों में शासन ने सस्पेंड किया था और सस्पेंड डीएम कुमार प्रशांत रिटायर स्टीनो इंद्रपाल साहू से काम कराते थे। रिटायर स्टीनो गोपनीय फाइलों का मालिक था। देखा जाए तो फर्जी हस्ताक्षर का खुलासा होने पर कई जिम्मेदारों पर गाज गिर सकती है। वहीं इस मामले में आरोपी बनाए गए शेषनाथ पांडे ने खुद को निर्दोष बताते हुए इस खेल के पीछे डीएम और खनन विभाग के कार्यालय का हाथ है बताया है। आरोपी के खुलासे से इस मामले में और भी कुछ लोगों की मिलीभगत हो सकती है। मदन पाल जी का आदेश है, पर ये तो इलेक्शन लगे हैं भैया के पास है। अभी मैं इसमें सारे साक्ष्य लगवा दे, इसमें सारे साक्ष्य लगे हैं। अभी मैं आप जाएंगे क्या जवाब दे रहे हैं लगे कि आपने डीएम के फर्जी साइन लगाकर एक खनन का पट्टे के आदेश करवाए हैं, क्या मामला है ये? मेरे कोई ना फर्जी साइन करवाया है, ये खनिज विभाग और डीएम कार्यालय की मिली भगत है और मेरे किसी विपक्षी द्वारा या विरोधी द्वारा मेरी छत को खराब करने के लिए किया गया षड्यंत्र। प्रार्थी किसी प्रकार का दोषी नहीं है। प्रार्थी इसमें चार सालों से ग्राम अड़ावल में खनन अनुज्ञा पत्र मांग रहा है और उस खनन अनुज्ञा पत्र को खनिज अधिकारी जारी नहीं कर रहा है। उस पत्रावली की पूरी जांच हो और किसकी भूमिका है आपको फंसाने के लिए? इसमें खनिज विभाग और खनिज और जिला अधिकारी का एक फर्जी डीएम के साइन करा के एक आदेश दिया गया, उस पर विभाग की तरफ से क्या वो सही कागज दिए गए थे जिसे भी दिए हैं, क्या कार्रवाई की? गलत कागज है, हमारे कार्यालय से ऐसा पत्र जारी नहीं हुआ है। क्या मामला क्या था सर? मामला है कि उस पर निजी भूमि का आवेदन दिया गया था, दिया था, उस पर कार्रवाई जाँच चल रही है। उसी क्रम में फर्जी एप्लीकेशन लगाया है कि मेरा आदेश हो गया है, पारित हो गया है डीएम साहब की तरफ से और मुझे रायती जमा करके खनन करने के लिए किया है। प्रकरण खनन विभाग में आया है जिसमें शेषनाथ पांडे जनपद फैजाबाद और शिव कुमार फतेहपुर के दो लोग के नाम आए हुए हैं, जिन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि हमें 21 मई 2018 को ये परमिशन तत्कालीन जिलाधिकारी श्री कुमार प्रशांत जी ने प्रदान किया है और इसकी रॉयल्टी जमा करा ली जाए निजी भूमि से खनन के पर्पज से। जब उस पत्र को देखा गया तो उस पर फर्जी हस्ताक्षर पाए गए जिलाधिकारी महोदय के और जिलाधिकारी महोदय से तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय से उस बारे में संज्ञान लिया गया। रिपोर्टर्स पेज के लिए फतेहपुर से जितेंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट।